नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 का दूसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ये है 9x बटा 7 माइनस 6x बराबर 15। हमें इसे हल करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 7 माइनस 6x इस पूरे 9x से भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो इधर 15 से गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं, 9x बराबर 15, 7 माइनस 6x यहाँ 9x से भाग हो रहा है, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये आ गया 7 माइनस 6x। अब ये 15 जो है ये 7 से भी गुना होगा और 6x से भी गुना होगा, तो हमारे पास बन गया 15 गुना 7, 15 साते होता है 105, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, 15 गुना 6, 15 छीके होता है 90, साथ में है x तो 90x। अब हम क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, ये 9x तो पहले ही लेफ्ट साइड पे है, 90x यहाँ माइनस का है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये जो 90x था ये उधर माइनस 90x था, उधर जाके हो जाएगा प्लस 90x बराबर 105, पहले ही राइट साइड पर है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। अब देखें लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, 9x प्लस 90x, 9 प्लस 90 कितना होता है 99, तो 9x प्लस 90x हो गया 99x बराबर 105। अगले स्टेप में x बराबर 105, 99 यहाँ x के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये दोनों क्या किसी एक पहाड़े पे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों ही 3 के पहाड़े में चले जाएंगे। आइए देखते हैं, 3 के पहाड़े में 3 तिया 9, 33 तिया 99, और 3 के पहाड़े में 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, 1 और 5 15, 3 5 15, तो ये आ गया 35/33। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में समीकरण को हल करना था। समीकरण को हल करने का मतलब होता है जो भी चर है x, y, z, a, b, c उसका मान ज्ञात करना। तो हमारे पास इस समीकरण में जो चर थी वो x में थी, तो हमने x का मान ज्ञात कर दिया है 35/33, यही इस समीकरण का हल है। तो ये प्रश्न यहीं पर खत्म हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि इस वीडियो के जरिए आपको यह प्रश्न आसान लगा, समझ आया आसानी से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद बच्चों।